बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दो अहम बयान दिए गए हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो आपको बताने वाले हैं कि जनूबी अफ्रीका पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेलने के लिए 100% रजामंद हो चुकी है। वो कितने मैचेस खेलेंगे और कब आएंगे ये सब आपको बताएंगे। और दूसरे नंबर पर एशिया कप के बारे में आपको बताएंगे कि आखिरकार पाकिस्तान ने इंडिया ही की मान ली है और एशिया कप कहाँ होगा। इंडिया भी रजामंद हो चुका है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आइए दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। तो दोस्तों साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने हतमी तौर पर ऐलान कर दिया है और बाज़ाबता तौर पर PCB को भी आगाह कर दिया है कि वो 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। वो मैचेस आप पाकिस्तान के किसी भी वेन्यू पर करा सकते हैं, इसमें हमें कोई मसला नहीं। इनका कहना था कि मार्च में इंडिया के साथ वो सीरीज़ खेलने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद तकरीबन 21 मार्च को उन्होंने इंडिया के साथ सीरीज़ खेलकर फारिग होना है। तो साउथ अफ्रीकन बोर्ड के मुताबिक 23 मार्च को वो पाकिस्तान आ जाएंगे। इस पर 25, 27 और 29 मार्च को वो 3 T20 मैचेस खेलने के लिए रेडी हैं। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने PCB को इस बात से भी आगाह कर दिया है कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होने वाले टेस्ट मैच के दरमियान वो अपनी एक सिक्योरिटी टीम को पाकिस्तान भेजेंगे ताकि वो चेक कर सके कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के क्या हालात हैं। अगर सिक्योरिटी के हालात ठीक हों तो वो इंशाल्लाह साउथ अफ्रीकन बोर्ड हतमी तौर पर ऐलान कर देगी कि वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में मार्च के आखिर में सीरीज खेलने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। एशिया कप जो कि पाकिस्तान में मुनक्कद था और इंडिया ने इनकार कर दिया था कि हम पाकिस्तान में जाकर नहीं खेल सकते। इंडिया ने इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा था कि वो सियासी सूरत हाल की वजह से और पाकिस्तान और इंडिया के हालात के दरमियान हालात की वजह से पाकिस्तान में जाकर एशिया कप खेलना नामुनासिब है। अगर एशिया कप पाकिस्तान में हुआ तो हम नहीं जाएंगे, जिसके बाद PCB के जवाब का इंतज़ार किया गया और PCB ने कल फाइनली स्टेटमेंट दी है कि वो पाकिस्तान में एशिया कप नहीं करा रहे, बल्कि हम अदर वेन्यू पर एशिया कप कराने के लिए तैयार हैं, हमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं। PCB का कहना था कि वो एशिया कप मुत्तहदा अरब अमारात में कराएंगे और हम किसी भी सूरत में एशिया कप खेलना चाहते हैं। वैसे अगर इंडिया एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान में आ जाता तो इसमें कोई हर्ज नहीं था, मगर ये इनका अपना मसला है। अगर वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते तो हम एशिया कप अदर वेन्यू पर कराने के लिए तैयार हैं। तो जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।